जय श्री राम दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं हमारे आज के इस वीडियो में। आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। जो लोग इस रेफरेंस फोटो को स्टेप बाय स्टेप आसानी से ड्रॉ करना चाहते हैं इस रेफरेंस फोटो का आउटलाइन, तो बिगनर्स लोग लास्ट तक जरूर बने रहना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। तो वैसे तो मैंने बहुत कुछ बता ही दिया है पहले भी, वही सेम प्रोसेस है। अगर आपके पास ये एप्लीकेशन है तो इसे आपको डाउनलोड कर लेना चाहिए, ये काफ़ी हेल्पफुल होगा हम परफेक्टली आउटलाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो इसका नाम है ग्रिड फॉर ड्राइंग, इसे हम ओपन कर लेते हैं। तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा और इस रेफरेंस और इस एप्लीकेशन का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस दिखेगा, उसके बाद आपको ओपन पे क्लिक करना है और इमेज पे जाकर आपको जिस इमेज को अभी आप ड्रॉ करने वाले हो उस इमेज को आपको सिंपली जो है सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से। तो हमने इसे रेफरेंस फोटो को हम इस रेफरेंस फोटो को ड्रॉ करने वाले, तो हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रिड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा, हमें इस रेफरेंस फोटो को हम किस साइज में ड्रॉ करेंगे वो हमें जो है यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे आपको सेल साइज इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा, इस ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको क्रॉप सॉरी यहाँ पे नहीं आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको क्रॉप पे साइज पे क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह से इसे क्रॉप कर लेना है और आप यहाँ पे जितना पार्ट क्रॉप करेंगे उतना ही पार्ट आपको ड्रॉ करने को मिलेगा। उसके बाद हम ऊपर जो है इस क्रॉप के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे से ये ग्रिड देख सकते हैं, तो इस लाइन से इस लाइन का डिस्टेंस, इन लाइनों के आपस में जो है डिस्टेंस कितना रखें हम ड्रॉ करेंगे 15 मिलीमीटर। तो यहाँ पर मैं 15 मिलीमीटर एंटर कर देता हूँ, आपको सिंपली 15 एंटर कर देना, उसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे स्केल से नाप लेना है आपको 15 मिलीमीटर करके, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको स्केल से नाप लेना है। हम यहाँ पे नाप लेंगे और सेम साइज में मैंने अपने ड्राइंग को में भी ग्रिड बना लिया है, अगर आप देख सकते हैं। तो इसी हिसाब से मैं इसको भी नाप लूँगा, उसके बाद अगला प्रोसेस आप लोगों को दिखाता हूँ। और इस रेफरेंस फोटो का लिंक और इस आउटलाइन में फोटो का लिंक, दोनों ही फोटो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाके आप जो है ले सकते हो। तो हमने यहाँ जो है नाप लिया है पूरा 15 मिलीमीटर करके। अब हम क्या करेंगे, इसे लॉक कर देंगे कि बाद में जो है ये रेफरेंस फोटो हिले नहीं, हम अच्छे से जो है इसका आउटलाइन ग्राफिक जो है ड्रॉ कर सकें। अब हम इसे क्या करेंगे, आप ब्लैक एंड व्हाइट में ड्रॉ करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके सिंपली ये ब्लैक एंड व्हाइट में भी कन्वर्ट हो गया। अब इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, पर मैं यहाँ कलर ही रहने देता हूँ। अब हम इसका आउटलाइन कहाँ से स्टार्ट करेंगे वो हम ढूंढेंगे, और इसके लिए मैं HB पेंसिल लूँगा, आप चाहे तो 2B लो या फिर 4B भी ले सकते हो। हम कलरिंग ड्रॉ करेंगे तो हम यहाँ पे 2B पेंसिल सही करेंगे, इतने डार्क करने की जरूरत नहीं है। तो हम आउटलाइन कहाँ से स्टार्ट करेंगे वो पॉइंट हमें जो है सिंपली ढूंढ लेना है। सबसे पहले हमें जो है इसको ब्लैक एंड व्हाइट में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करेंगे जो है आंखों के पास से, आंखों के नहीं, सबसे पहले इस जो मुकुट का जो ये लास्ट ये जो रेखा दिख रही है आप लोगों को लाइन, इस लाइन को हम ढूंढेंगे किन किन बॉक्स को ये लाइन क्रॉस कर गया है वो हमें ढूंढना है। तो इस तरह से हम आउटलाइन को और आसानी से जो है ढूंढ पाएंगे। सबसे पहले इस पॉइंट का आपको ढूंढना है, ये है फेस, तो इसके बाद सीधा ऊपर आना है और ये पॉइंट हमें ढूंढेंगे अपने ड्राइंग कॉपी में। इसे ढूंढने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले आपको इस लाइन का नंबर आपको ढूंढना होगा और इसके आसपास जो है पैरेलल और हॉरिजॉन्टली जो भी लाइन होगा उसको देखना है। तो मान लो हम यही लाइन है इसके आसपास, तो इस लाइन का नंबर और इस लाइन का नंबर हमें ढूंढ लेंगे, 7 है इस लाइन का नंबर और अब हम इस तरह से देखेंगे 6, तो ऊपर से और इस तरफ से जो है 7 और 6 है। तो यही पार्ट हमें अपने ड्राइंग कॉपी में ढूंढ लेना है। यहाँ पे मैंने सेम टू सेम साइज में अपने ड्राइंग कॉपी में भी ग्रिड बना लिया है, तो ये रहा 7 और इस तरफ से देखना है 7 नंबर लाइन और इस तरफ से 6, तो ये है इन दोनों का क्रॉस पॉइंट। तो हमें जो है ये क्रॉस पॉइंट हमें इस जगह पे मिला है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये जो आउटलाइन है ये आउटलाइन है, इन लाइन को इस बॉक्स को इन जगह पर क्रॉस किया है। तो हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये लाइन यहाँ तक इस जगह पर क्रॉस किया है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको दिखना है, नाप लेना है स्केल से, किसी भी नाप सकते हैं। नापने के बाद आपको पहले डॉट देना है, मान लो यहाँ पे इस जगह पे जो है क्रॉस किया है, तो हमने यहाँ पे पहचानने के लिए यहाँ पे हमने डॉट दे दिया है। अब हम इस आउटलाइन नीचे इस लाइन में आते आते इस लाइन को यहाँ पे इस जगह पे जो है क्रॉस किया है, तो इसके आसपास ये क्रॉस पॉइंट है, तो इस क्रॉस पॉइंट से यहाँ तक डिस्टेंस आपको कितना नाप लेना है, तो कितना होगा लगभग इतना होगा। और इसके बाद फिर से नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे इस जगह पे क्रॉस किया है आउटलाइन, तो उसके बाद क्या करना है आपको, तो जिस डायरेक्शन से ये जो आउटलाइन गया है उस हिसाब से आपको एक इसी हिसाब से देख देख के आपको जो है आउटलाइन को ड्रॉ कर लेना है। और इसी तरीके से जो है पूरा आउटलाइन को मैं ड्रॉ कर जो है कंप्लीट कर दूंगा। और कोई सवाल तो मुझे कोई जरूर बता देना, तो देखते रहो मैं कैसे करता हूँ और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाओ। तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने, जिन लोगों को ये ग्रिड कैसे बनाते हैं, ग्रिड में कन्वर्ट करके हम आउटलाइन को कैसे ड्रॉ करें, वो यहाँ तक का पार्ट आप लोगों ने जो है स्किप कर दिया है। तो यहाँ से आप जो लोग देख रहे हैं कोई बात नहीं, यहाँ से ही देखो, पर वीडियो जो हेल्पफुल हुआ है नहीं ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, तब मुझे पता चलेगा कि बाकी में ये हेल्प हुआ है, तो मैं इस तरीके रिलेटेड और डिटेल्स में बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए कैसे आउटलाइन को परफेक्टली हम ड्रॉ करें। तो यहाँ पे जो मैं HB पेंसिल से ड्रॉ कर रहा हूँ, आप चाहे तो 2B पेंसिल भी ले सकते हैं, और आपको धीरे धीरे करना है, टाइम तो लगता ही है। इस आर्ट को ड्रॉ करने में लगभग जो है 2.5 घंटे से ज़्यादा टाइम लगा है आउटलाइन को कंप्लीट करने में।
तो टाइम तो इतना ही होगा। और कोई सवाल है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और जो आर्ट कॉम्पिटिशन से रिलेटेड आप लोगों का सवाल है वो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते नहीं हो, वीडियो स्किप कर करके देखते हो बहुत सारे लोग आप लोगों में से, तो वही लोग ये सवाल करते हैं, बाकी लोग तो सवाल नहीं करते हैं, ये मुझे पता चल जाता है। तो यहाँ पे जो आर्ट कॉम्पिटिशन का रिजल्ट मैं अगस्त के महीने में अपलोड करूँगा, जो थर्ड वीक के अंदर कोशिश करूँगा, और इससे पहले आप लोगों के लिए टॉप आर्टॉक्स, टॉप 10, टॉप 3 ये सब भी आएगा। तो आप कह रहे हो इतने देर क्यों, बहुत टाइम लगता है, अच्छे से करूँगा, और मेरा जो है और भी कुछ काम है अभी, मैं इसलिए नहीं करूँ, बहुत सारे रीज़न है, इसलिए मैं आप बस ये समझ लो कि मैं जो है अगस्त के नेक्स्ट मंथ में जो है थर्ड वीक जो भी हो तो उसके अंदर ही अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, और वीडियो हेल्पफुल हुआ है नहीं मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो देखते रहो, जय श्री राम आप सभी को।